नमस्कार आदाबर्स आज सनीचर अप्रैल के तेईस तारीख है पेश है सात दिन में खबरें बॉन जो है अकादेमी सिकन है आज़ाद पेई का ये बुध अप्रैल के बीस तारीख डरेक्सी के जरिए से इन्हें कोर्ट जाना पड़ा डरेक्सी ये फैसला लिए थे क्योंकि एक पूरा साहनासी वहाँ पर यह स्टार के वजह से थे और ऐसे बुध अप्रैल के बीस तारीख ये कोर्ट कचहरी हुआ है लॉयट पोल फोर सीटर जो है आपलास्का जो बॉन्ट है अकादेई सिकन हाउस पारिबो के पास ये बतलाए है डाक लाचूरी नाम से वे बात किए थे इसके बारे में और वे कहे है कि ये कर्मचारिया जो वहाँ पर है ये कर्मचारी जो है वहाँ पर ये स्टाकिंग बंद नहीं करना चाहते थे और ऐसे भी ये काम करने का वक्त जो थे ये ग्यारह से सुबह आठ बजे रखा गया था कुछ ऑफ लिंग को डिस्पेंसार से दिया गया था लेकिन कोई डिस्पेंसार से इंस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे डरेक्सी को यह बात पसंद नहीं थे और बॉन्ड को के कचहरी करने के लिए लेकर गए थे ऐसे भी कहा जाता है कि एतवार को डेरेक्सी को यह स्टार के बारे में बतलाया गया था तो भी डेरेक्सी ये फैसला लिए थे कॉम्पारिट्सी जो निकला है रेक्टर फोनस नहीं निकाले है लेकिन कॉम्पारिट्सी के जरिए से डेरेक्सी को तीन महीने का मौका दिया गया है सरकार के साथ बात करने के लिए ताकि ये समस्या में कोई मुश्किल जो है इनमें हल लाया जाए ऐसे भी कहा जाता है कि अगर बॉन्ड ये स्टाक बंद नहीं करते तो इनको पाँच सौ हजार एसर डे का पैसा हर एक दिन के लिए ये भरना पड़ेगा यह स्टॉकिंग बंद किया गया है और ऐसे भी कहा गया है कि इनमें एज्स प्राक नहीं है कॉम्पारिसी के जरिए से डेरेक्सी को इनमें कोई ना कोई हल लाना पड़ेगा ऐसे भी कहा जाता है कि कोई स्लिप जो स्टॉकिंग भी किए है इनके खिलाफ कार्रवाइया करना मना किया जाता है कोई भी मात रेखला इनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा ऐसे भी कहा जाता है बॉन्ड ये कहते हैं लॉयड पोल फोर जो है ये कहते हैं कि अब वे इंतजार करते हैं कि डिरेक्सी कौन से ऐसे फैसला लेने वाले हैं इन महीने में ये कम्परिटसी के जरिए से प्रेसिडेंट संस के जरिए से इनको भी दिया गया है एक इनको मिला है बीफ है अप्रैल के कई तारीख और हनी है स्टार्टन का ओ ये एक खास स्पेल्ट एरकनिंग के तौर पर दिए है प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद सांतोकी को यह भी खास तौर पर हाई लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हा एल को लगाने के लिए सूरीनाम के जरिए से ऐसे अनेकों मुल्क वहाँ पर थे रेहोनाल और इंटरनेशनल और भी और वहाँ पर भी बातचीत किया गया है ट्रांसनेशनल नैचनल और माद के बारे में ये स्पैल जो ओ फरहानद किया गया था ये गस्तौन स्क मैजस्टर के जरिए से ये डायरेक्टर जो है ओ का ऐसे भी एक डिपार्टमेंट जो है ट्रांसनेशनल चुनाल खौरहानी से मिसदाद का दे ओ से इनके जरिए से भी और हनीसात से भी शुक्रगुजार गुजार थे प्रेसिडेंट के लिए कि वे ये खास हा एल से भी रचाए थे आईएमएफ संतुष्ट है कि सुरी किस तरह से अपने राज्य जो चलाते हैं सरकार किस तरह से राज्य जो चलाते हैं आईएमएफ इनसे संतुष्ट है एक खास दिल खाद से, से भी गए थे मिनिस्टर फॉर फिन एंड प्लानिंग आरमंत अच्छेबर सिंह और गवर्नर जो है डी नाम सब बानका मौर्य सुरूमर ये सभी गए थे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग बे इनकॉम्स में जो वाशिंगटन डी में लगाया गया था ऐसे भी यह पहला बे इनकॉम्स जो थे अप्रैल के उन्नीस तारीख को आईएमएफ के अगवाकार जो थे ये भी ख़ास तौर पर कहते हैं कि सरकार सूरी का किस तरह से ये काम करते हैं आईएमएफ के साथ मिलकर तो वे भी संतुष्ट है ये ईफाली के बाद जो सक्सेसफुल इन सभी को लगे थे ऐसे भी कुछ ऐसे बड़ा बड़ा हेयर फॉरमिंग अभी बाकी है जो कहा गया है इनमें है बे का, जिसके बारे में आपको भी बताया गया है अन पासिंग एनर्जी तारीफ का अभी होना बाकी है और ऐसे भी स्वप्स को कम किया जाएगा या तो फिर निकाला जाएगा ऐसे भी मिनिस्टर अक्षयर सिंह वहां पर भी खास बे इनकॉम्स में नए दलानसर को लेखा सिखरित काख के मदद भी चाहते थे इनके साथ बातचीत भी की है बलास्तिंग और दुआना हेयर फार्मिंग के बारे में वे भी वादा किए है सरकार के मदद इनमें करने के लिए प्रेसीडो की बीफ अप्रैल के कई स्थानिक नेशनल असम्बली में यह बतलाई थे कि जनता जो ब्रोकोपुंडो में है जहां पर देहात ब्रोकोपुंडो में जगह डूबे हुए है वहां के जनता को मदद दिया जाएगा मदद पहुंचाया जाएगा ऐसे नेशनल को सेंटर इमराम बनबहर सिंह एन सी सी जो है ये भी अनेकों हेल्प मेडलन सामान तैयार किए थे वहाँ पर जनता को देने के लिए क्लस्टर मिनिस्टर्स ये सामनवेर जो दे के साथ मिलकर करते हैं दे से लुत्फ मैंडल जो ब्रकोपुंडो का है और एन सई से आर मिल कर वहाँ पर ये काम जो कर रहे हैं और ये मामला जो है वहाँ से भी फॉलो किया जाता है ऐसे भी स्पर्य किया जाता है आफूबा का दाम से और ये भी स्टार्स ओली के सरे से किया जाता है वातावरण में बदलाव भी आते हैं वेर्स फरान्दरिंगन जो है ये भी क्लिमास फरानंदरिंग का एक हिस्सा जो होते है और ऐसे भी नेशनल, रेह यूनाल मौंदयाल इनके के लिए भी लेना चाहिए ऐसे लोग जो वहाँ पर थे इनको भी कहा जाता है हो हरजाऊन के तरफ जाकर बसने के लिए लेकिन इसके बारे में अभी बातचीत होना बाकी है प्रेसिडेंट मदद भी देना चाहते हैं लोगों को जो दूर देहात ब्रकोपोंडो में है और जनता जो वहाँ पर है ये कहते हैं कि यह जो शुरुआत किया गया अस्ता चौली के सर से वक्त से बाहर शुरुआत हुए इसलिए वहाँ पर कुछ जगह जो है डूब गए हैं। ऐसे जनता जो वहां पर है ये बतलाते है एक दिल हादसे भी गए थे सुख अप्रैल के बाईस तारीख को ये डेल हादसे जो थे नेशनल असेंबली असम्बली का वहां पर गए थे देखने के लिए कि समस्या हालात लोगों का किस तरह से वहां पर है ब्रोकोपुंड और सिपालीविनी वहां पर भी खरात मे दिशा दिन स्तर दिया जाता है और यह साउथ डकोटा नेशनल गार्ड और नेशनल देघर जो है सूरी नाम का ये दोनों 16 साल से जो मिलकर काम करते हैं वहाँ पर भी सिपाहीविनी और ब्रकोपोंडो के लोगों को खरात तंथेल के उन्दखा देने वाले है और यह भी आने वाले मई के दो तारीख तक होगा ऐसे भी लोगों को मुफ्त में मौका रहेगा तंथेल के उन्द खबा जाकर कराने के लिए और ऐसे भी ना चन इनमें इन सभी का मदद जो करेंगे ऐसे ये ब्राउन सुवैह ब्रोकोपुंडो और सेंटरम जो है आचोनी में वहाँ पर ये तानतील कुंड बाहान दलिंग जो किया जाएगा ब्रोकोपुंडो और सिपाहीविनी के जनता के लिए ऐसे भी रेनो के लिए ये दो मिलकर यानी साउथ द को गार्ड और अतना चुनाली घर यह दोनों मिलकर भी सरोश है ओ पाउडर को एक भवन जो है देहात वानिका में वहाँ पर भी इसे बनाएंगे रेनो फेयर जो करेंगे सुनने वालों साढ़े चार किलो दृक्ष पाया गया है एक जहाज में और ये भी ये आप एंगल दुखथाफन पर लेडर जो थे हॉन्डब्रिखाद का पोलिसी का जो है ये मंगर अप्रैल के उन्नीस तारीख एक जहाज को जो ये आप पैंगल हाफन पर थे छानबीन करने के बाद वहाँ पर तीन पाकि दृख्स पाए है और ये कहा जाता है कि कोका इन है और इनका वज़न फिर पॉइंट फाइव किलोग्राम का जो है ये दृश्स बस लाख में लिया गया है और ओफर ड्रा हुए है और ये भी ये छानबीन इन में आगे जारी रखेगा ऐसे कापेस के खबरों से यह बाहर निकला है लेकिन बतलाया नहीं जाता है कौन से जहाज के बारे में जिक्र हुआ है जहाँ पर यह द्रकस पाया गया है यह नशीली दवा और कौन से ऐसे फ्लुक था और साथ में भी कौन से ऐसे लुफात मास्क पैका जहाज़ जो थे इनमें कोई भी आन हो देगा अभी किसी को पकड़ा नहीं गया है और सुनने वालों बार्बेडस के तरफ जो प्रेसिडेंस आंटोकी गए थे इसके बारे में भी इनको निमंत्रण जो दिया गया था प्रीमियर मियाँ मोतली के सरे से बारबेडस में आने के लिए एक वैरकसुक के साथ ऐसे भी प्रेसिडेंस आंटोकी वहां पर गए थे बारबेडस के अलंग ये भी मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन जो बैतलां साकन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल सामन वर्किंग का जो है दोनों मिलकर ये निमंत्रण जो मियाँ मोतली दिए थे वहाँ पर पहुँचे थे वहाँ पर पहुँचते ही ये लोग बात बातचीत शुरुआत भी की गई लेकिन ओपन बार फरहादरिंग जो हुए पंचघर में दना चनाल में तो ऐसा लगता था कि प्रेसिडेंट किसी को खबर नहीं दिया है इसके बारे में और वे चले गए लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है सही बात तो यही है कि प्रेसिडेंट के कैबिनेट के सदस्य से लिखक भेजाया गया था पहले ही और यह भी अप्रैल के तेरह तारीख कॉलेज को डीएनआर को बतलाया गया था इसके बारे में कि प्रेसिडेंट बारबेड इसके अलग जाने वाले हैं और ये भी दिया गया था ये खबर ताके डीएनआर में सभी को ये इसके बारे में बतलाया जाए रेशमा कुलदीप सिंह ये भी मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह ये नया मिनिस्टर है एजोती का मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह बीते हुए मंगर अप्रैल के उन्नीस तारीख से नया मिनिस्टर जो है मिनिस्टेरी एकोनोमी से सा साकन ऑन द नीम शाप टेक्नोलॉजी से इनोफाची ए जोती का प्रोटोकॉल ऑफर द्रा हो चुके थे मंगर को और वहां पर मिनिस्टेरी पर भी फोर मालक मिनिस्टर जो थे मिनिस्टर सास के अवालदन से बागडोर वे अपने ऊपर जो लिए हैं और वहाँ पर जबकि मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह अब नया मिनिस्टर जो है एसौती का तो वे भी पहले आर्बेट एंड युवक साकन का मिनिस्टर जो थे तो वहाँ पर भी एक अन्य मिनिस्टर एक नया मिनिस्टर को वहाँ पर रखा गया है और ये नया मिनिस्टर भी वहाँ पर है जो मिनिस्टर आरबैट वार ख़ली आकन पर जो है कहा जाता है कि मिनिस्टर कुलदीप सिंह को काफ़ी तजुर्बा है इस मिनिस्ट्री के बारे में क्योंकि वे पहले भी हांडल एंड इंडस्ट्री के पास अमितिन जो थी और भी का एमओ फंड्स के बारे में इनको जानकारी भी थे मिनिस्टर ये भी कहे है कि वे हमेशा तैयार है लोगों के साथ मिनिस्ट्री पर बात करने के लिए जो भी मुश्किल है लोगों के साथ मिलकर बात करने के लिए और ऐसे आगे मिलकर एक साथ काम करने से शूरी को क्रिस से भी निकाला जा सकता है इसके साथ भी आपको बताया जाता है कि मिनिस्टरिफा आरबै वैर खली नया मिनिस्टर जो हुआ यह है स्टीफन मैको ये बागदौर रेशमा कुलदीप सिंह का जो अपने ऊपर लिए है और अब रेशमा कुलदीप सिंह एसौती का मिनिस्टर है अप्रैल के उन्नीस तारीख से सुनने वालों ईद उल फितर के बारे में भी खबर आपके लिए है और ईद उल जो है रोज़ा का महीना जबकि अंत होता है तो ईदुल्फितर मनाई जाती है ये ऑफिशियल तय किया जाता है सान के सरए से और अनेक को खमी दस के साथ मिलकर बात किया गया है इसके बारे में तो फिर सोमवार मई के दूसरी तारीख मांद मई ईदुल्फित्र करार दिया गया है सूरी नाम में ईद मनाने के लिए ये मई के पहली तारीख ये भी अरब दशद जो है ये भी एक नचनल फ्रेडाह जो होते है एक नचनाल फेसदाह और फिर अगले दिन मई के दो तारीख वे भी एक नेशनल फ्रे दाख जो होगा और यह है फितर का दिन कहा जाता है ना तो सभी मुस्लिम भाई बहन एक ही दिन पर भी शुरुआत किए हैं रोज़ा रखने के लिए इसलिए मई के दो तारीख चुना गया है और ये फर्स्ट टैलिंग जो होता है नेशनल दाख का ये भी खमीटस के साथ मिलकर बात किया जाता है इसके बारे में और फिर फैसला बाहर निकलता है दो भाई जो है ये पोलिट्सी के पास गए थे और मिली तैर के पास ये अपने को वहाँ पर सौंपे है दो भाई जो है ओ बे छब्बीस साल के और ए बे सत्ताईस साल के जो मिली है ये एम पे के पास भी गए थे आनमेल करने के लिए ये दो भाई मिलकर अप्रैल के उन्नीस तारीख ये भी पॉलिसी ब्यूरो फ्लोरा पर गए और एम पे मिली के पास और ऐसे भी ओ बे को रशार शपारिबो का सौंपा गया जो इसमें ऑनडो करते हैं ये दो भाई मिलकर ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सविंकल जो है स्मार्ट कनेक्शन में वहाँ पर दोनों मिलकर तैयारियाँ भी किए है वहाँ पर रोफ फाल करने के लिए लूटने के लिए और ऐसे कैमरा बिल्ड पर ये ओ साफ नज़र आए है और जबकि वे ख़ास तौर पर दिखाई दिया है तो वह खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया है वहाँ पर स्मार्ट कनेक्शन के पास नौ आईफोन वे चुराए थे और अपने भाई का फर्श विवापन दिन फर्श विवापन लेकर वहाँ पर लोगों को डराए धमकाए और फिर सामान लेकर भाग गए और सुख से ये भी आगे आए है कि यह दो भाई जो है यह पहले भी मार्च के तेरह तारीख ये तरह बार फैत जो है फ़ोन स्टॉप के पास जो लाला रुक वह पर है वहाँ पर भी पांच मोबाइल टेलीफोन्स वे चुराए थे और ऐसे फेबरेवारी के फेब्रेवरी महीना में भी ये तरह बारफ़ है जो किया गया है गेम स्टार हैमिताश मॉल में जहाँ पर भी छः आई फोनस वे चुराए थे ये बरोफिंग ये दो भाई मिलकर एक साथ कर रहे थे प्लानिंग अनुसार ये कर रहे थे एक को छोड़ा जाता था और फिर बाद में इन्हें लेकर वहाँ से वे चले जाते थे जबकि ए बी और ओ बी को पकड़ा गया तो उनके पास चार आईफोन सिर्फ मिला और बाकी का जो मोबाइल टेलीफोन थे वे बेच दिए थे और अब स्टैमिंग किया गया है ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तो ये दो भाई को बंद किया गया है इनमें शर्शारिपो और मिली टैरपोलि मिलकर छानबीन जो करते हैं इस मामला में में जो कच्चा सड़क जानते जो है बंद किया गया है फराख ट्रांसपोर्ट के लिए जिस कमिश्नर इसका मिसार स्पारा का मार्लैन योडन जोहे है यह अपनी खबरों में बाहर लाए है कि जानतवे का कच्चा सड़क जोहे है पारा में वे बंद करवाए है क्योंकि वहां पर मेन बो कौनसेशनारसन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट ये कच्चा सड़क से कराते हैं और रास्ता बारिश से पहले ही बिगड़े हुए हालात में है और वहां पर गुजरने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किल होते हैं इस लिहाज से यह अन बखान बार के से ऐसे ये फैसला दे से जो लिया है ऐसे जनता जो है इस तौलवा का ये भी बतलाए है दे के पास भी शिकायत जो की है डेसे को इसके बारे में भी मालूम है कि वहाँ पर मना करने के बाद तो भी ये ट्रक्स वहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर चलना नामुमकिन है मोटर गाली लेकर जाना और फिर ये ट्रक्स जो वहाँ से गुजरेंगे तो ये रास्ता और भी बिगड़ जाएगा और ये मामला शिकायत जो है ये देसी के पास भी दर्ज किया गया है बैक ट्रैक के बारे में भी ख़बर आपके लिए है बहुत और जो होते हैं ये भी अपने इल खालसा लेकर भी परेशान है काफ़ी कोशिश किया गया है सरकार के साथ बात करने के लिए ताकि सरकार भी इन सभी को एकलाहाल स्टेटस दे ये लोग जो वहाँ पर करीबन दो सौ परिवार अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं ये कितने बार सरकार के साथ बात किए है इनके स्टेटस के बारे में वे लोग भी कोविड कोफित पंदमी में घर पर थे कितने साल बाद वे लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से ये बैक ट्रैक के साथ ये रुतर हौद करने के लिए जो है निकेर ही फ़ैरसा लेकिन देखा जाता है तो वहाँ पर ये नामुमकिन लगता है और ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ पर कॉलेक्टिव बलंग जो है फैल हैत मैं लेवंस के बारे में वहाँ पर भी इस पर गौर करना चाहिए ये लोगों को मौका नहीं दिया जाता है फिर अपने बैक ट्रैक के साथ वहाँ पर ये पर अपने आ, जो बूट है निकालने के लिए ऐसे भी 200 परिवार होते हैं जो अपने गुजर बसर करते हैं वहाँ पर इनके परिवार जो काम करते हैं और भी चाहते हैं कि इनको सरकार भी गौर करे इनको बड़ो ना बनाया जाए और इनको भी जरूर से मुश्किल जो होते हैं यह महंगाई के ज़माना में तो ये लोग भी चाहते हैं कि सरकार फिर एक बार गौर करे बैक ट्रैक के बारे में श्री को मेरी सापना दान में दिया गया है यापान के सरे से Exsausta sisteks medisa apparatur, jinkavaarda jo he US dollar 800.000 je Japan Suriname kod die je he. In medin ambulanses rakha gaya, mobile röntgenapparate, echoapparate, infusiepompe en perfusiepompen jo the, transport monitoren, traliesper, aur bloedgas analyseratoren he.

ऐसे भी डरे यून खजों और द मे डिस यहाँ पर यह सामान जो दिया जाएगा जो यापान से मिला है एस ये भी एक ख़ास ओवर कॉम्स का दस्तखत किया गया था तब जाकर ये स्खेंगकिंग या दिए है और ये मार्ग के साल दो हज़ार इक्कीस में दस्तखत किया गया था ये ऑफर इनकॉम्स कोस्टारिका पर जहाँ पर सूरीनामा का सरकार और यापान का सरकार ये दस्तखत किए थे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के बारे में और ये ख़ास बे इन कॉम्स दैन ओफर पर भी जरूर गौर किया गया और कुछ ऐसे ख़ास प्रोजेक्ट जो है जापान जो अंडरस्टैंड करते हैं ye vardan drig ye vardan drig samanjasopagaya tha but april ke bistariko ministeri van bouterland se saak en international business aur international samanvarking o gp inko diya gaya ye saman ek pratinidhigar jo unaps ke zari se the ali khan dr rasi aur bhi ek pratinidhigar japan ka jo the wahan par jab ki ye saman diya gaya tha ये बिल्कुल नया अपरातूर है जिसके बारे में जिक्र किया जाता है और जो भी सूरी नाम से क्वालिटेट्स नॉर्म स्टैंडर्ड अनुसार है ये सामान भी दिया गया है सूरी नाम को कुछ पॉलिसी बरख्त भी है और ब्रांडवेर की तरफ से भी यह खबर और कुछ डाकू जो है ये भी एक ऑटो बस्तूडर को दरा धमकाकर लूटे हैं ये बस्ती उडर जो है पहले से एक आन रेडिंग किए थे और वहाँ पर कुछ लड़के जो थे आसपास में ये बस्ती उडर को आकर लूटे हैं और जो इन से जो थे उस मोटर गाड़ी में वहाँ पर भी इन सभी को लूटा गया है ये आन रेडिंग जो हुए थे उशान खसो फ्रेदैर बस्तरात में और एक रुपय जो थे ये भी हो हफ से इन सभी के पास आए है वहां पर सामान लूटने के बाद वे नौजवान जो है भाग गए है अपूरा में एक आदमी उनासी साल ने साल के जो है बीफ अप्रैल के कई तारीख के सुबह में इन पर हमला भी किया गया है लेकिन वजह क्या है अभी ऑन द शुक होता है इनको एक चाकू के साथ जख्मी किया गया है इनकर गला में और उसके बाद इनके कोशिश भी किया गया है इनकर गला दबाने के लिए कोई सामान लेकर नहीं गए है इसलिए कहा भी जाता है क्यों ये आदमी ये काम किए है ये ऑन भी होता है और इनको भी पकड़ने की कोशिश किया जाएगा अफसोस की बात यह भी है कि देहात निकेरी में एक आदमी जो है मिडिल बार लेट का ये भी इनके घर में आग लगने के कारण से यह आदमी वहां पर फर्स्टिकिंग से देहांत है ये आदमी फर्स्टिकिंग के साथ इनकर मृत्यु जो हुए और ये मकान जो है ये इलेक्ट्रिसिटाइट्स नेट पर नहीं था और ब्रांड के लिए भी फर्शेकिंग नहीं किया गया था कहा जाता है कि यह आदमी जो है ये एक हरिया एक पॉट आँख पर रख कर हो सकता है वे सो गए थे और ऐसे ही आँख वहाँ पर लगा जिससे पूरा घर जल गया और ये आदमी भी फर्स्टिकिंग से यह आँख में इनकर मृत्यु भी हुए है तो ये भी थे सभी खबरें आज प्रोग्राम सात दिन में नमस्कार खुदा हाफिज़